तो स्वागत है दोस्तों आज के इस एपिसोड में, और आज मैं एक और नई ताजी वीडियो लेकर आया हूँ। देखो यार, पतंग का सीजन है और यहाँ पे देसी मांजा जो है बहुत कम यूज होने लग गया है आजकल। आजकल सिर्फ प्लास्टिक मांजे ने यहाँ पे पूरा मार्केट कवर करके रखा है, हर कोई प्लास्टिक मांजे से पतंग उड़ा रहा है। तो यार यहाँ पर आज मैं इस देसी मांजा में सबसे पावरफुल मांजा है देसी में, और ये है पांडा मांजा। और दोस्तों पूरा का पूरा एक चरखी लेकर आया हूँ मैं, और आज पूरा दिन सिर्फ इसी से पतंग उड़ाएंगे और चेक करेंगे कि यार कितनी पावर, पूरी जान लगा देंगे इससे पतंग काटने में। बहुत सारी पतंगे भी लेके आया हूँ क्योंकि पता है एक पतंग तो कटेगी क्योंकि सब प्लास्टिक में मांजा यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं यार, देखते हैं। तो सब्सक्राइब करें फायरफॉक्स यश को टॉप एक्सपेरिमेंट्स और लाइफ हैक्स के लिए, और इस घंटी बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा लेटेस्टली अपडेटेड रहने के लिए, तो जरूर से कर देना। और यार सबसे बड़ी बात, ये मांजा बहुत अच्छा है, फाइन मांजा है यार, ऐसा नहीं है पांडा मांजा की आप जानते हैं ना कितना ज्यादा डिमांडिंग है और सबसे बढ़िया मांजा हमारे देसी में है। लेकिन अब उड़ाते हैं इसी से फिर से दोबारे। कर दे काम को गई थी। अब तो अपने अब प्रताप भाई पेचे करेंगे भाई, और ये उड़ रही है पतंग, और ये आ गए हमारे कॉम्पिटिटर्स। अरे यार फिर से कट गई यार, क्या कह रहे प्रताप भाई, उंगली कट गई आपकी, सब ठीक? यार अब आखिरी बार हम कोशिश करने जा रहे हैं, और इस बार जो पतंग हमने सिलेक्ट करी है वो सबसे ज्यादा सेट है अब तक की पतंग में। तो आखिरी बार हम कोशिश करेंगे और पूरी दबा के खींच मारेंगे कि यार ये मांजा सचमुच क्या कुछ भी औकात रखता है प्लास्टिक मांजे के आगे, इस बार हमें फाइनली पता चल जाएगा। तो चलिए यार, अब हो गया हमारा यहाँ पे ये पूरा ट्रायल कंप्लीट, और हमने एक भी पतंग नहीं काटी दोस्तों। सच में अगर एक भी काटी हो तो बात अलग है, क्योंकि यार सबके सब प्लास्टिक मांजे से उड़ा रहे हैं तो देसी मांजे का कोई फायदा ही नहीं है। तो यार यहाँ पर मैं क्लियरली झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पर जो देसी मांजा है वो प्लास्टिक के आगे फेल है। और भाई अगर आपकी खेच कुछ ज्यादा अच्छी हो या फिर आपकी पतंग ज्यादा अच्छी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल है सब कुछ तो यार आपकी पतंग कट जाएगी अगर आप देसी मांजे से उड़ाओगे तो प्लास्टिक का मांजा जब है तो उससे उड़ाओ, भले ही वो बैन है या फिर उसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन यार अगर आप पतंग उड़ा रहे हो और आपको दूसरों की पतंग काटनी है या अपनी पतंग बचानी है तो आपको प्लास्टिक का मांजा यूज करना पड़ेगा। या अब आपसे मैं क्या रिक्वायरमेंट रखता हूँ, प्लीज से इस वीडियो को लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दे मेरे इस चैनल को, और जरूर से यार जरूर से अगली नेक्स्ट वीडियो सारी अभी हमारी पतंगों पे आने वाली है तो सबको जरूर देखना, और कुछ सीखने को मिले तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो लेता हूं अलविदा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।